दिस इज ओवर अशर टुडे वी आर मेकिंग सम सैंडविच। ये हमने ऑयल ले लिया, दो टोस्ट पड़े थे हमारे पास, हमने सोचा एक सैंडविच बना दें, साथ में ये चाय तैयार हो रही है और ये जनाब यार ये अंदर बस ये हम इसका हम बनाएंगे सैंडविच। हम केचप ले लेंगे, वी विल हैव सम केचप। ये हमने केचप ले ली और मेयोनीज निकाल लेंगे थोड़ी सी। आई थिंक मेयोनीज तो नहीं है ब्रो, नहीं कौन लगी यकीन करो सारा वेल है, तुम वेख लो मैं अगर झूठा में। ये जी दो टोस्ट हैं और ये ऑयल है, ये चाय है, ये अंडा है और ये केचप है। सो वी विल मेक सम सैंडविच एंड हम इसमें चाय ऐड कर लेंगे। ओके चाय तैयार हो गई है, सो वी विल ऐड सम टी। अच्छा क्यों हाँ गुड ये ला। तो जी ये चाय हो गई है माशाल्लाह, ऑयल गर्म हो गया है, ये चिली गार्लिक सॉस हम लगा लेंगे और थोड़ा सा अंडा बना लेंगे और उसके बाद फिर वो अंडे का सैंडविच बन जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियोस मेरी बड़ी अच्छी लगती होंगी और देखते तो आप लोग है नहीं है लेकिन चलें कभी देखेंगे इंशाल्लाह। हमारा काम है वो, कोई एक आदमी था ना तो वो रोज़ाना अपने खेत में जाता था और खुदा से दुआ करता था कि ए खुदा मुझे ना इस खेत में फल लगा दे। तो उस आदमी के बाग में बड़ा फल लगता होता, उसे कुछ तीन चार बेटे थे। तो वो जब आदमी को कुछ हो गया, बीमार हो गया, तो उसने अपने बेटों को बुलाया तो उसने कहा मेरे बच्चों तुमने तीन हिस्से करने हैं, एक हिस्सा तुमने खुद रखना है, एक तुमने खुदा के नाम पे देना है और एक तुमने गरीबों में तकसीम करना है। तो ये बाग इसी तरह हरा भरा रहेगा तुम्हारा, इसी तरह तुम कामयाब रहोगे। जैसे उसके उनके बाप का कुछ हुआ, फौत हुआ, तो उस बाग में बड़ी हरियाली थी। तो उन भाइयों को एक दिन ना शैतान ने आके घेर लिया। तो वो तीन भाई थे तो उन्होंने सोचा, जब फसल काटने का टाइम आया तो उन्होंने सोचा हम किसी गरीब को क्यों दें यार और क्यों खुदा के नाम पे दें, खुद खाएंगे। तो क्या हुआ कि बाहर से गरीब आदमी गुजर रहा था, उसने कहा यार अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो बंदा बाहर गया, उसने कहा ओए दौड़ जा यहाँ से, भाग जा, कुछ नहीं है हमारे पास। तो फकीर कहते हैं वो बुज़ुर्ग कहाँ है, वो बंदा कहाँ है जो मैं जब भी आता था तो मुझे इतना कुछ देता होता था। तो उन्होंने कहा वो तो पागल था, वो तो नहीं है अब दुनिया में, तुम जाओ चलो जाओ। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि कल सुबह मैं आऊँगा यहाँ पे और तुम लोगों से मैं कहूँगा कि मुझे तुम लोग कुछ दो, लेकिन तुम लोग मुझे ढूँढोगे और मुझे आके ढूंढ के पूछोगे कि हमारे साथ क्या हुआ। तो कहते हैं वो लड़के थे, वो खुमार था, उनको बहुत अमीर लोग थे। तो क्या हुआ कि बुज़ुर्ग जो था वो चला गया, उसको उन्होंने कोई चीज़ खाने के लिए नहीं दी। रात के वक्त ऐसी आंधी चली, ऐसा तूफान आया कि वो जो दरख्त थे, फ्रूट से बाग थे, वो सारे के सारे हवा में उड़ गए, हर चीज़ हवा में मलिया मेट हो गई। उसके बाद अगले दिन वो तीनों भाई जब कलफ शलफ लगा के सफ़ेद सूट पहन के सफ़ेद सूट पहन के जब अपने बाग में पहुंचे तो आगे से उनकी चीख निकली, ऐसी चीख निकली कि परेशान हो गए और देखा वहाँ बाग तो कोई था ही नहीं, दरख्त भी हवा में उड़ गए थे, चार चार किलोमीटर दूर कहीं और जाके लग गए। तो वही बाग कहीं और शिफ्ट हो गया, 10-12 किलोमीटर दूर, वो जगह बिल्कुल खाली।
अब वो तीनों भाई जो हैं, वो तीनों सर पकड़ के खड़े हो गए। अब वो उस बुज़ुर्ग को ढूंढने के लिए निकले। तो जहाँ वो बुज़ुर्ग रहता था उसके इर्द गिर्द वो बाग सारा रेडी था और वहाँ वो बैठा हुआ था। अब जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, यार ये तो आम के दरख्त हमारे हैं, ये यहाँ कैसे पहुँच गए? तो बुज़ुर्ग कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मुझे ढूंढोगे। तो उन्होंने उसको जब ढूंढ लिया तो बुज़ुर्ग ने कहा कि देखो, अगर मैं चाहता तो तुम लोगों को बर्बाद कर देता, लेकिन मैंने सिर्फ तुम लोगों को दिखाने के लिए ये बाग इधर से इधर ट्रांसफ़र करवाया ताकि तुम लोगों को अक्ल आए। उन्होंने फिर खुदा से माफ़ी मांगी, तौबा की, और उसके बाद फिर वो बुज़ुर्ग ने कहा, चलो तुम लोग यहाँ रह लो, मैं उधर चला जाता हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आप इधर ही रहेंगे, हम भी आपके साथ ही रहेंगे। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, कभी भी किसी भी इंसान के साथ कोशिश करें, बुरा ना करें, पर अगर कहीं आपसे बुरा हो रहा है तो कोशिश करें कि उस चीज़ की सलाह करें, क्योंकि इंसान कोई भी इंसान फरिश्ता नहीं है। हाँ, तो सलाह कर रहे हैं ना, अपनी फरिश्ता कोई नहीं है। यहाँ आप अगर फरिश्ता ढूंढने निकलोगे ना तो खाली आता होगे, क्योंकि आपके अंदर भी एक शैतान बैठा होगा। सारी दुनिया को आप मार दोगे तो उस अंदर के शैतान का क्या करोगे? हम वो तो आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। ये चाय हमने रेडी कर दी है और ये सैंडविच हमने रेडी कर दिया है, और एक तो इस पाकिस्तान में दिल जले बहुत है। किसी को पूछो ना, ओए तेरा ना की है, ओए ते उस वक्त दिन परेशान है। शैतान जड़ा ना, शैतान होए भी दिल जले बहुत है इसमें, दिल जले शैतानों की वजह से। सो दोस्तों, ये दिल जलाते हैं शैतान, कहाँ दिल जलाता है? शैतान तो इंजॉय कराता है, शराब पियो, चर्स पियो, सूटे मारो, आगे पीछे जाओ, खाओ पियो, चिल करो। शैतान कहाँ आपको कहता है कि भाई तुम परेशान रहो, मायूस रहो, वो तो कहता है खाओ पियो फिरो थरो, तुमने बड़ी मौज करनी है ज़िंदगी में। सो दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। ये सैंडविच तैयार हो गया, सैंडविच तैयार हो गया है, और मैं भी थक गया हूँ बोल बोल के, और देखना तो आप लोगों ने है नहीं। सो फिर, और ये पाकिस्तान दिल जलों का मुल्क है। आए जनाब, क्या हाल है? हरा दिया मैच फिर? कितने हो गए आपको? 7। कितने? 30 पे। 30 पे बहुत बुरा हुआ है ना। वो नाहनकट चाहिए आज मैच, नाहनकट चाहिए, नाहनकट तो मेरे पास थे छोटे पे ना। वो जिनेदे कमरे में जाए, जिनेदे कमरे में जाए, वो शेल्फें नहीं पड़ी हुई, शेल्फों के ऊपर देखें, वहीं पे कहीं रखा हुआ सामने, हाँ सामने पड़ा हुआ। तो यार इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे, भाई जान इसमें काटा मारें, दिल जले और शैतान को इजाज़त दीजिए, काटा मारें जनाब। ये देखें माशाल्लाह, एक VIP सैंडविच तैयार हो गया। वाला तो दिस इज़ द सैंडविच दोस्तों, दिस इज़, एंड दिस इज़ टी। थैंक यू वेरी मच।